है मानव समाज, जब तक ऋषियों के बताए मार्ग पर चलता रहा तभी तक सारे संसार में सुख शांति का साम्राज्य रहा है, और जब से उस कल्याणकारी मार्ग को छोड़ा है तभी से दुख सागर में गोते खा रहे हैं। हजारों वर्षों के बाद इस भारत भूमि पर एक महान ऋषि आया जिसने प्राचीन ऋषियों की परंपरा को अपनाकर वेद का पावन संदेश देकर मनुष्य मात्र को सुख शांति व सुपथ दिखा गया है। एक कवि की दृष्टि में ऋषि ध्यान को देखिए। सकल रज रेणु को मणियों पवार डारू, मणियों को वार डारू, सूरज और चंद्र पे, सूरज और चंद्रमा को स्वर्ग हूँ पवार डारू, स्वर्ग हूँ को वार डारू, भारत सुख तंद पे, भारत की भूमि को मैं भगतों पे वार डारू, भगतों को वार डारू, देवता स्वच्छंद पे, सकल देवताओं को मैं ऋषियों पे वार डारू, ऋषियों को वार डारू, ऋषि दयानंद पे, ऋषियों को वार डारू, ऋषि दयानंद पे, ऋषि वर तेरे ऐसा को न भूलेगा जहाँ बरसों, ऋषिवर तेरे ऐसा को न भूलेगा जहाँ बरसों, तेरी रहमत के गीतों को ये गाएगी जुबा बरसों। तेरे आने से गुलशन में बहारें लौट आई है, से पहले था चमन जेरे खिजा बरसों, ऋषिवर तेरे ऐसा को तेरी सूरत तेरी सीरत तेरी यादात और फितरत, तेरी यादात और फितरत जहाँ को हम सुनाएंगे बना कर दास्ता बरसों, शानी मिल नहीं सकता, तेरी सूरत है लाशानी कशानी मिल नहीं सकता, तेरी सूरत को तरसेंगे जमीन और आसमां बरसों, ऋषिवर जमाने ने हाँ पिलाए जहर के प्याले, जमाने ने यहाँ बरसों किसी व
सचमुच था पतित पावन कितारे वो पतित तूने, तू सचमुच था पतित पावन कितारे वो पतित तूने, किसाए तक से रखा दूर था जिनको।